आगरा के बरौली अहिर ब्लॉक में बना आधा अधूरा पुल लोगों के लिए कई सालों से परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों को यमुना के पास बना पुल तो दिखता है, लेकिन आधा बना पुल लोगों को चढ़ाता है। कई गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी टूंडला से दूरी कम हो, लेकिन ग्रामीणों का यह सपना कब पूरा होगा पता नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा के बरौली अहिर ब्लॉक के मेहरा नहरगंज घाट पर बना ये पुल गांव की तस्वीर बदल सकता था, तकदीर बदल सकता था, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते पुल का निर्माण अधर में लटका है। जो सरकारी कागजों में तो पूरा तैयार है, लेकिन जमीन पर किसी काम का नहीं। मैं इस समय आगरा के बरौली अहिर ब्लॉक में हूँ और यमुना किनारे पर इस समय मौजूद हूँ, और यहाँ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि इस पुल की मांग को लेकर करीब 10 से 15 साल हो चुकी हैं, लगातार मांग उठ रही है। आसपास के दर्जनों गांव वाले इस बात की मांग उठा रहे हैं कि इस पुल को पूरा किया जाए। तस्वीरों में आपको पुल दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक पुल दिखाई दे रहा है जो टूंडला की तरफ से आ रहा है और आगरा की तरफ आ रहा है। अगर ये पुल पूरा होता तो शायद इन गांव वालों को कुछ आसानी होती, सहायता मिलती, ताकि ये आसानी से इस तरफ से उस तरफ जा सकते, लेकिन ये पुल अधूरा है और बीच यमुना में आप देख सकते हैं कि अधूरा पड़ा हुआ है। पुल न होने की वजह से लोगों को टूंडला जाने के लिए करीब 43 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और काफी वक्त लगता है। फिलहाल यहाँ से ले जाने में दिक्कत होती है, सिकंदरा मंडी है, लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो किसानों को ले जाने में लाने में दिक्कत होती है। अगर ये पुल स्टार्ट हो जाएगा तो इन लोगों को अपना अनाज सब्जी मंडी जो कुछ भी करने के लिए शहर पास में पड़ेगा, आसान रहेगा। सर 5 मिनट जाने की रास्ता है सर, उसको मैं पार करने में 5 घंटे लगते हैं और सर हमको ये परेशानी लगभग 10 साल से आ रही है। इस पुल के न होने की वजह से यहाँ अक्सर हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग यमुना को नाव के जरिए पार करते हैं। यमुना में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। हमारे खेत है पल्ली पार, आने जाने को परेशानी है, नाव डालते नहीं है, टीएनते जाते टीएनते बच्चा मर गया, कैसे जाए पुल पार चले जाए। ना मैं पैसा देना पड़ता है, चंदा भी देना पड़ता है, ना पैसे हैं तो किसी से दें, किसी से मांग के लावे, गरीब आदमी हैं हम। अब ग्रामीणों की मांग है कि ये अधूरा पुल पूरा किया जाए ताकि उनकी दिक्कतें दूर हों। आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट। आगरा के मेहर नहरगंज गांव के पास बने इस पुल को चुनावी पुल कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उस पुल की याद नेताओं को चुनावी मौसम में आती है और वादे होते ही लेकिन फिर वो वादे भुला दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने ठानी है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। इस बार नहीं चलेंगे वादों के सपने, बनेगा पुल तो मिलेंगे वोट, नहीं तो ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। ये जो है मात्र 6-7 किलोमीटर टूटना, उसके लिए हमें 40 किलोमीटर के लिए सफर करना पड़ता है। आगरा के मेहरा नहरगंज गांव के पास इस पुल का निर्माण कराने के लिए ग्रामीण सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस पुल का निर्माण कराने की मांग पहली बार साल 2004 और 2005 में उठी थी। उसके बाद पुल बनवाने के लिए तत्कालीन सांसद राज बब्बर आगे आए और उनकी पहल पर पुल का काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई तो पुल का निर्माण कार्य भी अधर में लटक गया। PWD ने पुल का कुछ हिस्सा बिना बनाए ही छोड़ दिया, जो आज तक इन लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के ग्रामीण इस बात को बताते हैं कि अगर आप मेहरा नारगंज से अनवारा की तरफ जाते हैं यानी टूंडला की तरफ जाते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। हमने भी नाव का सफर किया और हम इस समय नाव पर मौजूद हैं। यहाँ बाएं हाथ पर देखेंगे, ये मेरे बाएं हाथ पर जो पुल बना हुआ है, इस पुल को सांसद राज बब्बर जब थे तो उन्होंने अपनी लगन से अपने सरकार से कहकर इसको पुल को बनवाया था ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंचे। ये पुल पूरा बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यमुना कटान होता गया और यमुना आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ चुकी है। लोगों की जो खेतियां इस साइड थी वो दूसरी तरफ पहुंच गई और यही वजह है कि गांव अलग है, खेती अलग है और लोगों के घर अलग है। ऐसे ही लोग एक दूसरे की जब यमुना पार करते हैं तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अब 2022 में फिर चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ग्रामीणों ने कहा है कि अगर पुल नहीं बना तो वे 2022 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब हम सभी ग्रामीणों ने ये मन बना लिया है कि यदि पुल का निर्माण नहीं पूरा किया जाता है तो चाहे किसी की भी कोई भी आए, कोई राजनेता आए, पार्टी किसी को वोट नहीं करेंगे और पूरा चुनाव बहिष्कार करेंगे। सारे लोग इस बात पर तय हो चुके हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों को पता नहीं कि अब ये पुल कब तक पूरा हो पाएगा,
लेकिन लोग अपने वोट की चोट से जरूर अपने गांव के विकास का पुल बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक जितनी भी सरकारें आईं, जितने भी राजनेता यहां पर हुए, तमाम सरकारों ने सिर्फ इनको कोरे आश्वासन दिया, कोरे वादे किए, लेकिन आज तक किसी ने इनकी समस्या को नहीं सुना, इनकी मांग को नहीं माना। लेकिन इस बार ये अडग है कि विकास नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।